तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और साथ में ज्योति जी और बाकी लोग आप लोगों को भी इनवाइट करता हूं संडे मॉर्निंग 8 to 11 एक्स्ट्रा क्लासेस में, जहां हम कई सारे फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इनवाइटेड हैं, आप लोग भी उस बैच में आ सकते हैं, और आपके अगर कोई मित्र वगैरह हैं वो भी ज्वाइन करना चाहे तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या है समझिए, जैसे कि यहां हमने 20 लिखा और यहां पे हमने 30 लिखा, अब इन दोनों को सम करना है। तो एक तो है कि आप सम का फॉर्मूला लगाएं और सम कर ले, एक आप इसको सेलेक्ट करें प्लस इसको सेलेक्ट करें तो आपके सामने ये 50 आ जाता है। अब बोलेंगे सर इतनी बेसिक क्यों बता रहे हैं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये जो सम है ये हमारा इनबिल्ट फीचर है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया इनबिल्ट फॉर्मूला। अब जैसे कि इनबिल्ट है तो लिमिटेशन तो होगी, अब आपके पास कई तरह की कैलकुलेशन होगा, उनको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला ना हो तो आप इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, और एक और होता है पावर, मतलब कि स्क्वायर, पावर निकालते हैं ये होता है। उसके अलावा आप अगर हम बात करें परसेंटेज, परसेंटेज होता है एक आपका डेसिमल का होता है, दो और ए सिंबल होते हैं। तो चलिए हम पहले परसेंटेज की बात करते हैं। तो अगर आपको सिस्टम में परसेंटेज लिखना है, टाइप कर रहे हो तो 50% का सिंबल लगा के करें तो आपको 50% आ जाएगा। अगर आपने 50 लिख दिया उसके बाद परसेंटेज लगाया तो ये आपको 5000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 = 100% होता है, 1 = 100%। मतलब कि अगर आपको बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो 0.50 लिखें और फिर परसेंट का सिंबल आप दे सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 होता है ना कैलकुलेशन में, जैसे मान लीजिए कि हमें 450 का 20% निकालना है, तो 20% अगर परसेंट के सिंबल के साथ है तो अगर आप मैथमेटिक्स में निकाले नोटपैड में तो क्या होता है, होता है कि 450 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, यही होता है ना सर जी? हेलो यस सर, ऐसे ही होता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं और इसको इससे काट देते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 90, यही होता है ना, बचपन में ऐसे बनाते थे ना हम क्या जी सर। तो लेकिन एक्सेल में ऐसी चीजें नहीं है, एक्सेल में आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 आ गया। क्यों? क्योंकि ये 90% आपको दिख रहा है, अगर इसको इसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलरेडी 0.20 है, मतलब कि अगर हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.20 ही आएगा ना, क्या सर भुवन जी? तो यहां में हम मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक कर दे। हाँ, अगर ये हुआ कि 450 और यहाँ पे 20% चाहिए तो उस केस में हमें दैट इज मल्टीप्लाई और फिर 20 डिवाइड बाई 100 इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 = 100% होता है, तो 2000% निकाल के दे देगा, जो कि रिजल्ट आपकी गलत हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए 600 का पेपर था, 360 नंबर आया तो कितना परसेंट आया, तो इसके लिए जो आया है वो डिवाइड बाय जिसमें से आया है, मतलब 360 डिवाइड बाय 600 आप कर दीजिए, ये आपका 0.6 आ गया। अब अगर नंबर में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपको नंबर में आ जाएगा। परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज सिंबल के साथ चाहिए तो परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए तो
तो 60% आ जाए। ध्यान रखिएगा इन दोनों में एक्सेल में फर्क है, ए आपका 60% है, अगर ए 60% है और नंबर में 0.60 है और ए नंबर में 60 है बट परसेंटेज में 6000% है, समझ गए? तो किसी नंबर के साथ अगर परसेंटेज का सिंबल ऐड हो गया तो वो डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर वो चीज है। तो इसका परसेंटेज कैलकुलेशन में इसका ध्यान रखिए। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने आ गया, या और एग्जांपल दू? ज्योति जी आपने कल पूछा था जी सर अगर हमारा बहुत सारा चार्ट में डेटा है, सारे को अलग अलग वन बाय वन तो हम निकालेंगे नहीं, अगर हम एक साथ सेलेक्ट करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ए हमारे पास एमआरपी है, इस तरह से एमआरपी दिया हुआ है, दूसरी बात की कैलकुलेशन चार्ट पे नहीं होगी, कैलकुलेशन आपके सेल मतलब सीट पे होगी, राइट? अब मान लीजिए कि मुझे इसका जीएसटी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? जीएसटी कितना परसेंट है? तो 18%। तो हमें जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है 18% से और यहां पे रिजल्ट आपके सामने। लेकिन हर किसी के लिए अलग अलग परसेंटेज है तो मैनुअल करना पड़ेगा ना, समझे ज्योति जी? जी सर। मान लीजिए किसी का 20% किसी का 30% है, किसी का क्या है? हाँ, परसेंटेज में कंडीशंस है कि अगर अमाउंट इतना बड़ा हुआ तो इतना परसेंट, तो हम इस फॉर्मूले के साथ करेंगे जो कि हम आगे पढ़ने वाले। ओके चलिए आगे बढ़े। अब इसमें हम एक चीज और बात करते हैं, परसेंटेज की बात होती है तो मुझे अगर ग्रोथ का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे? ग्रोथ का कैलकुलेशन, अब ग्रोथ का मतलब क्या कि मान लीजिए कि क्वार्टर वन में आपकी कंपनी ने 25 क्लाइंट को क्लाइंट लिए हैं, क्वार्टर टू में आपकी क्लाइंट आपकी कंपनी ने मान लीजिए कि 37 क्लाइंट लिए हैं, तो कंपनी ने कितना परसेंट ग्रोथ किया क्वार्टर वन के अपेक्षा क्वार्टर टू में? बात समझ आई? तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए अगर आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला मौजूद है, जैसे कि होता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब यहां पे इस चीज को अप्लाई करेंगे कि लेटेस्ट हमारा क्वार्टर टू है माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब बताइए क्या एक कैलकुलेशन सही है या गड़बड़ है? इसमें इसका रिजल्ट सही आएगा या गड़बड़ आएगा? रिजल्ट तो सही आएगा। भुवन जी परसेंटेज में नहीं आएगा? नहीं परसेंटेज नहीं, रिजल्ट सही आएगा या गलत आएगा? रिजल्ट गलत आएगा, बोर्ड मास लगा, वो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, डिसीजन माइनस लगा। हां बोर्ड मास यूज नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि बोर्ड मास के मेथड के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा देन माइनस होगा, माइनस कैलकुलेशन के नीड है फर्स्ट माइनस देन डिवाइड। तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कि फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट वाली कैलकुलेशन होगी, तो इसका ध्यान आप रखेंगे। ओके परसेंटेज का सैंपल लगा दीजिए, 48% आ जाएगा, क्लियर है? अब बात करते हैं भुवन जी आपकी प्रॉब्लम की, जो कि हमने डिस्कस किया था। आपने बोला था कि कई सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखने में आपको दिक्कत होती है, तो चलिए एक फॉर्मूला लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। इसके दो एग्जांपल दूंगा, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। मान लीजिए कि 50,000 का लोन है आपका, रेट है मान लीजिए टाइम आपका, रेट है आपका मान लीजिए 8% और टाइम है मान लीजिए कि 4 ईयर, राइट? और मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है। हालांकि इसकी कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले हैं, बट बहुत सारे लोगों को इस पर बिलीव नहीं होता है, तो मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो
मैथमेटिक कहता है, एक्सेल नहीं, ये मैथमेटिक कहता है आपका कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। अब यहां पे एन क्या है, तो एन इक्वल टू 12 है, क्यों है, क्योंकि ये ईयरली है इसलिए 12 है, हाफ ईयरली होगा तो 2 होगा, क्वार्टरली होगा तो 4 होगा, मंथली है इसलिए 12 है। मतलब एन का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, ये होता है ना सर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उस पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट चलेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों के कंपाउंड पे चलेगा। अब प्रॉब्लम आता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे किया जाए, हम इसको ब्रेक करेंगे तो तोड़ तो ये करेंगे, जैसे आर डिवाइड बाई एन हमने रेट को डिवाइड कर दिया 12 से, फिर हमने इक्वल वन प्लस आर डिवाइड बाई एन कर दिया, दिख रहा है आपको वन जी, फिर हमने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और फिर इन दोनों में हम पावर, मतलब यहां से समझिए हमने ये कैलकुलेशन किया ए आर डिवाइड बाई एन हुआ, फिर हमने इसमें वन प्लस इसको कर दिया वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, मतलब कि स्क्वायर की कैलकुलेशन हो गई, फिर हमने टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से, मतलब कि हमने इसको इस कैलकुलेशन को कर लिया, फिर इन दोनों ये जो ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने पावर ले ली, और फाइनली इनको हम प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्ट हमारे सामने। अब रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे, करेंगे वेरीफाई, चलिए बताते हैं आपको। 50,000 रुपीज हमने लिया, मंथली रेट हो गया 8% डिवाइड बाय 12, तो मंथ के एंड में कितना हो गया इंटरेस्ट 333, मतलब कि अगले महीने इसका प्रिंसिपल हो जाए, महीने के एंड तक पैसा हो जाएगा 53,333 रुपया। अगले महीने जो प्रिंसिपल चले जो चलेगा इस पे चलेगा बाकी सारी कैलकुलेशन, और 4 साल की है तो ये 48 महीने तक चलेगा। पहले के जमाने में लोग ऐसे कैलकुलेट करते थे जब मैथमेटिकल का एक फॉर्मूला लॉन्च नहीं हुआ था। 68,778 रुपए, एकदम एक्यूरेट है कैलकुलेशन। ज्योति जी समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है नहीं ऐसा लग रहा है चुप्पी से ना तो अब मैटर ये नहीं है कैलकुलेशन करना, मैटर हम समझा रहे हैं कि हम प्लस माइनस डिवाइड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई कि हमने अलग अलग कैलकुलेशन करके रिजल्ट तो निकाल लिया, बट ये रिजल्ट मुझे एक सिंगल सेल में यहां चाहिए, हमने इतने अलग से कैलकुलेशन की है। तो भुवन जी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जा रही है, हम क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशन या अपने फॉर्मूले को अलग अलग सेल पे स्प्लिट करके लगाएंगे, रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, देन उनको आपस में मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमने यहाँ इस पे डबल क्लिक किया या ऊपर में क्लिक किया, इक्वल के बाद के फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, एस्केप को प्रेस किया ताकि मैं एडिट मोड में हूँ, उससे बाहर निकल जाऊं रेडी मोड में। फिर एक इसका लिया हमने C15 का लिया, फिर मैं इस पे गया C15 यहाँ दिख रहा आपको, तो C15 के जगह पे C15 का फॉर्मूला हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ओके? फिर हमने D15 का फॉर्मूले को इक्वल के बाद को कॉपी किया, स्केप करके हमने रेडी मोड में आया कि बाहर आए, और यहां देखिए D15 है, D15 को डिलीट किया, ब्रैकेट के अंदर हमने D15 का फॉर्मूला पेस्ट दे मारा। सेम ऐसे ही यहाँ पे है, इसको
हमने कॉपी किया और यहाँ भी हमारे पास E15 है, E15 पे E15 का फॉर्मूला दे और फिर हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे B11 है और F15 है, F15 का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिए। थोड़ा सा लैंग्वेज अगर गलत हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आज मैं गांव में रह रहा हूँ तो थोड़ी सी लैंग्वेज बिगड़ रही है। ओके और मैं इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ। उसके बाद कट कीजिए, कॉपी मत कीजिएगा, कट कंट्रोल एक्स कीजिए और उसको जहां रखना है वहां पे रख दीजिए। अब ये सारे कैलकुलेशन रीड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं भुवन जी कि कोई बात नहीं, इतनी कैलकुलेशन तो हम कर सकते थे, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, ये सोचना आपका लाजमी है। लेकिन अगले एग्जाम्पल आप बोलेंगे सर फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इज द वेरी गुड आइडिया। कैसे? हमने MRP निकालना है हमें, और हमारा एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि अपने कॉस्ट के ऊपर 5% का अपना कमीशन रखा, उन्होंने प्रॉफिट रखा अपने प्रिंसिपल में, अपने कॉस्ट में उसने जोड़ दिया और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अपने खरीद पे 10% का मार्जिन रखा और उसको ऐड किया अपने खरीद में और उन्होंने 57.75 रुपीज में उसने होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने क्या किया, अपने खरीद पे 15% का मार्जिन रखा, सॉरी गलत हो गया, 15% का मार्जिन रखा और उसने रिटेलर को ऐड कर दिया। रिटेलर को ऐड कर दिया। और हमने यहां भी क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 20% रिटेलर ने और रिटेलर ने ऐड किया और उन्हें बेच दिया 79 रुपीज। एक कैलकुलेशन करके हमने MRP निकाली 79 रुपीज, बट हमने इसके लिए इतना कैलकुलेशन किया, मुझे यहाँ एक सिल्प चाहिए। तो जो मेथड हमने यहाँ अपनाया है वही मेथड मैं यहाँ अपनाऊंगा, बस आप देखते जाइए। हमने कॉपी किया, स्केप से बाहर आए और यहाँ जहां हमारा 20-21 था उसके जगह पे ब्रैकेट में हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर हमने B22 को कॉपी किया, C22 को कॉपी किया उसके फॉर्मूले को और यहाँ C22 के जगह पे उसका फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया। नीचे भी हमारा C22 है, उसके जगह पे उसका फॉर्मूला को हमने पेस्ट कर दिया। फिर इसको कॉपी किया और यहाँ D21 के जगह पे उसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और D22 को सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया और यहां भी D22 है। वापस अब देखते रहेगा, रिजल्ट तो चेंज नहीं हो रहा, अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है मतलब ये कहीं पे आपने गलती कर दी है। धीरे धीरे फॉर्मूला देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है। तो कॉपी की और यहां पे आया और D20 E22 के ऊपर हमने ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर दिया और यहां भी ये हमारा E22 है, उसके जगह भी हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर हमने इसको वापस कॉपी किया और यहाँ पर ऊपर वाले को E21 को कॉपी किया और यहाँ लास्ट में आपका E21 दिख रहा होगा, इसको हमने इसके जगह पे पेस्ट कर दिया। इसको कट करके जहां रखना है वहां रख देता हूं और हम इस
कैलकुलेशन को डिलीट करते हैं। देखिए क्या लग रहा है भुवन जी, आप इतनी लंबी कैलकुलेशन लिख पाते? बराबर लेकिन हमने फॉर्मूला मर्जिंग बिथा, मतलब कि हमने फॉर्मूले को पहले स्प्लिट कर दिया, फिर अलग अलग सेल के फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके हमने बड़ा फॉर्मूला। हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ लेकिन 100% एक्यूरेसी आ गई। अगर आप मैनुअल लिखने चलते तो आपको कहीं ना कहीं गलत ब्रैकेट को कोई छूट जाता और कई बार रिटेक करने के बाद, कई बार चेंज करने के बाद ही आपको आपका सही फॉर्मूला मिलता। ओके यही मेथड हम आगे भी अप्लाई करेंगे लेकिन उससे पहले नीड टू प्रैक्टिस। आप क्या करें कि फॉर्मूला मर्जिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें और मुझे कम से कम 20 एग्जांपल बना के भेजें जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।